إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين मेरी और आपकी दिली ख्वाहिश के बरक्स ये रोज बरोज मोतबर और अजीज तर होता जा रहा है। देख लेंगे।
जब जो भी तलवार के साथ मश करना तुम्हारे लिए दुश्वार है तो सोचो कि फलादी शमशीर का वजन कैसे बर्दाश्त करोगे। कोई भी नास परवरदा क्यों ना हो, मुसलसल मश से माहिर हो जाता है। आन करीब तुम्हें फौलादी शमशीर हाथ में लेना पड़ेगी। ये चौबी शमशीर तो अभी इब्तिदा है, जारी रखें। पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, मैं इस कनानी गुलाम से मुतमईन नहीं। युजार सीफ? जी हाँ, युजार सीफ। वो मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैंने देखा है कि वो किस तरह मोहब्बत ने खुदा आमून और परिश्तिश की रसूमात की तजहीक करता है। बस करें कारी मामा, कैसा खतरा? मेरी समझ में नहीं आता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरे साथ आए, मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए। कहाँ जा रहे हो युजार सिफ? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। आपके लिए खाना लाए हैं, ये सब आप ही के लिए है, ले लीजिए, 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 ले लीजिए। आप ही के लिए लाया हूँ।
लीजिए ना, आपके लिए तो लाया हूँ। ले लीजिए। ध्यान से निशाना लो। आफरीन। आफरीन आफरीन आफरीन। आफरीन आफरीन। तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए हो। युजासीफ के लिए रुदामून हमेशा एक उस्ताद रहेंगे।
जीते रहो बेनियामीन। यूसुफ के बाद अगर तुम न होते तो इस दौरे गम हिजरा को किस तरफ काटता। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे नबी खुदा की खिदमत और ख्याल रखने का मौका अदा किया। मुझे दीजिए माँ। ये लो बेटा। तुम्हें याद है लिया, यूसुफ भी बिन्यामीन की तरह तुम्हें माँ कहकर पुकारता था। इस वाकये को 11 साल हो गए हैं बाबा, लेकिन यूसुफ की याद आपके दिल से जरा बराबर कम नहीं हुई है। बेहतर ना होगा कि अब आप उसे भूल जाएं? यूसुफ का ख्वाब तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। उसने आप माँ और हमारे सारे भाइयों को अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। ये सजदा यानी यूसुफ की बर्तरी मुझ पर और मेरे अहले खाना पर, यानी यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। ये तो मुमकिन है कि अपने बेटे को भूल जाऊं, लेकिन वली खुदा को भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं। या नबी खुदा, क्या एक पैगंबर दूसरे पैगंबर से बर्तर हो सकता है? हाँ, अगर कोई पैगंबर दीगर अंबिया के आदाफ व मकासिद को पाए तकमील तक पहुंचाए तो यकीनन वो उन पर विलायत बरतरी रखता है। मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तुम मुझसे कहो। हर खुदा लाए के परस्तिश नहीं, हर खुदा लाए के परस्तिश नहीं है। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, खुदा को बेनियाज होना चाहिए। जमान और मकान से बेनियाज, जमान और मकान से बेनियाज। खाने और सोने से बेनियाज, खाने और सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक नियाजमंद है, तमाम मखलूक नियाजमंद है। तमाम मखलूक ज़ईफ़ और नातवां है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ और नातवां है। गनी मुतलक फकत खुदा की ज़ात है, तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? कोई काम काज है नहीं तुम लोगों को? चले जाओ यहाँ से। तमाम मखलूक नियाजमंद है, तमाम मखलूक नियाजमंद है। जासिफ, आप लोग बैठें, मैं अभी आता हूँ। आली जनाब पुतिफार को मुझसे कोई काम था। पेशकार कसर जनाब हुनीफर काफी अरसे से अलील हैं और कसर के बहुत से अमूर इल्तवा में पड़े हुए हैं। उनकी सेहतियाबी तक उमूर कसर की तमाम जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूं। माजरत। जनाब हुनीफर की बीमारी से बाखबर हूं, इनके आयदत को भी गया था। आप परेशान न हो, उनकी सेहतियाबी तक हतुल मकदूर फराइज की अंजामदही करूंगा। परेशान नहीं हूं,
और मैं जानता हूं कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपास गुजार हूं, ये आपका हुस्न नजर है। आसिफ होनी पर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का होता संभालेंगे। यकीन नहीं आ रहा ना, खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाबे पोतीफार की जबान से। यकीन करो, नीमू साहब ने खुद सुना है, यकीन करो हनीफर के कायम मकाम बने हैं। युजार सिर्फ से बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आसिफ होनी पर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का होता संभालेंगे। अब इतना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार सिर्फ आज से पेशकार हो गए हैं, कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा, खान सामा। जी जनाब युजार सिर्फ। मैंने बताया था ना कि जनाब हनीफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब गिजा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं, यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिन्हा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है, मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सिन्हा। ये बहुत कमजोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोचड़े जमा हो गए हैं। ऐसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूं, तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। हाँ। हाँ। आप परेशान मत हो, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ, परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगा जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पहुंच सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ युजार सिर्फ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूं। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, बताओ मैं क्या करूं। मुझे कुछ देर जनाबे होने पर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जबकि 11 सालों से खुदावंद यक्ता के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं,
बस यत्ता परस्त हैं। मुबारक हो। मैंने मुद्दतों उस खुदा से तन्हाई में बातें की। क्या आपको मालूम है कि खुदा के रसूलों पर भी ईमान रखना जरूरी है? अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए तो यकीनन ईमान ले आऊंगा। हजरत आदम तमाम इंसानों के बाप और खुदा के सबसे पहले पैगंबर हैं, और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखिरी है। राशिफ, क्या कह रहे हो? यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है, यानी तुम पैगंबर हो। यूसुफ, अगर मुझे पता होता तो सालों पहले ही मैं तुम पर ईमान ले आता। जनाबे होने पर क्या कुफ्र शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इजहार बेजारी करते हैं? मुबारक हो यक्ता परस्तों के मजमा में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पुतिफार के हमराह आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ, और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मस्नूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी जरूरियात को उनसे अर्ज किया करते थे। मैंने उसी जमाने से खुदावन से अहद किया कि कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती से मुबारजा करूंगा, और मुझे खुशी है कि जनाबी होने पर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूं। से क्या बगैर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, यह खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाए यक्ता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरुद पर जनाब यूज़ार सिफ, पेशकार आला कसर पुतिफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाबे पेशकार। दुरूद बराली जनाब यूज़ार सिफ। आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाबे हुनिफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रही हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कस्ट के नए पेशकार जनाब यूज़ार सिफ, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखिए, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरियाए नील के कुछ साहिली इलाके आमू के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं, और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबदे आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना, ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रगबत से आमून की हमसरी का इंतखाब किया है, न कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, न कि आमून की हमासरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत? आपको जेब नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबत के कहनों और आमूने बुजुर्ग की इस तरह तोहीन करें? ये बातें इसके ईमान को मुतजलजल कर देंगी। ईमान?
हमारे फर्जंद के ईमान को महबत के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा आमाल मुतजलजल करेंगे, ना कि इन हकायक का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के कहानों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबूद और कहानों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदामालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुदसर फितना परवर कहानों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इकदामात के जिम्मे में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों के बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो महापत पर हमले की इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र महापत की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता, उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, जमान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक नियाजमंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है, गनी मुतलक फकत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहूँ। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज ही बाद मैं आपसे दूर रहूँगी। तुम्हारा क्या ख्याल है किस लिए यूज़ार सिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बड़ा ये मंजर देखा है, मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्ने नियत से ज्यादा हिमाकत पर मुबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद बर खुदाबंदे कसर जनाबे पुतिफार। दुरूद बर अजीज़े मिस्र जनाबे पुतिफार। दुदामून और यूज़ार सीफ, आप दोनों पर भी दुरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं, मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। ओह, 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 ओह
हामून हो तब मोहब्बत के कहानियों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं, वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उन्होंने सरतरत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरी ने मोहब्बत बहुत ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी हमारे ये लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? अमून होता को चाहिए कि पहले कसर में महाबत के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। अमून होता की जिंदगी को खतरा है, उनकी जान की हिफाजत कीजिए और नमाबर को भी उनको तनहा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है जनाब। आमून होतब की कसम हर हर फर्द। आली जनाब, आमून होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है, वो आमून के मामले में बड़ी राशिदा है। ताजुब है, यही बात आज जनाब आमून होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और मावत के तरफदार कहा। जनाब आमून होतब की जान को खतरा है, उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। बानूती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं। मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ। आली जनाब, कोई मसला है? आली जनाब, काहिन आज़म माफ महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरी ने माबत की खुदसरियां हुकूमत मिस्र के इंतजामी उमूर में तखरीब कारियों का बायस बन रही है। आमून होतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है, लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसरियों साजिशों और तखरीब कारियों से बाज आते हुए कबल अज़ इक़दाम उनसे उज़्र ख़ाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मजीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानूती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है या बड़ी सफाई से अपने शोर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला की है। जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है।
जनाबे आप महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होटप के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अजरे खुआई कर लें, या फिर दुश्मन के इकदाम और हमलों का डट कर मुकाबला करें। अली जनाब, अजर खाई से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाक जमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्ते वाहिद है आमून होतब। हम भी फर्ते वाहिद के जरिए ही हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी जाहिरी आंखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूज़ार सीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं नहीं, मेरी नजर में इसकी अहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उम्र में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूज़ार सीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस पर खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ मायल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आम दरफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाबी यूज़ार सीफ, जनाबी हुनैफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब दुदामून को खबर करें। जी बच्चों, आप यहीं बैठे, मैं अभी आता हूं। हमारे मेहरबान जनाब हुनैफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूज़ार सीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराए नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूज़ार सीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहल कसर के लिए खैर व बरकत का बायस हो और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फिजा छा जाएगी।
यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफ़त? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर यूसार सिफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि तुम जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूसार सिफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो, मैं आपके तमाम साक नान कसर के और यूसार सिफ जवान के सामने इकरार करता हूं कि मैं खुदा यकता पर गैर अस खुदा यानी मिस्र ईमान रखता हूं और उससे चाहता हूं कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूंगा कि मेरे लिए दुआ और तलब मग़फ़िरत करे। खुदावंद जनाबे होने पर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफी को मेहरबान बाप को खो दिया। जनाबे होने पर एक शफी को मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावंद जनाबे होने पर को अबदी सुकून अता करें। हमारे सबका पेशकार होने पर की आखिरी सुमार बहुत शान शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्व ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए।